and shot and go. Yes. So, drink ले लिया है. Светлое будущее. चरखा वरखा कहाँ से आ गया? Oh my god. Whiskey, beer, wine. 125 से ज़्यादा fountain है. गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन. मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ गाइज सेंट्रल एशिया कंट्री, सेंट्रल एशिया रीजन के कजाकिस्तान कंट्री में. आज निकल रहा हूँ आपको इस अल्माटी सिटी का इवनिंग लाइफ, नाइट लाइफ या लोकल लाइफ को एक्सपीरियंस कराने के लिए. Светлое будущее. ओके. इट मींस ब्राइट फ्यूचर. ब्राइट फ्यूचर. यस. ओके. एंड इट्स स्टाइल्ड इन वेरी सोवियत टाइम. यस. यू विल सी. तो देखते हैं भाई क्या है हिसाब किताब इस रेस्टोरेंट का. तो ये अभी काफ़ी ओल्ड पॉपुलर कैफे और रेस्टोरेंट टाइप का है. It's like you can drink one drink and go. So it was only 12 tables. Okay. In Russian it calls rumochne. The rumka is a small shot. Oh, like just taking the small shot. Yes, small, one shot and go. So like quick, come and quick. Yes. सो कुछ ऐसा है माहौल इस अंदर कैफ़े और रेस्टोरेंट का. तो पूरा वॉल और पेंटिंग और यहाँ तक कि इस पूरे कैफ़े रेस्टोरेंट्स का जो डिज़ाइन है, लुकआउट है, लेआउट है, वो सारा पुराने टाइम का जो एरा था ना आर्किटेक्चर सोवियत टाइम का, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो ये बिल्डिंग आप देखिए, इसमें भी मोस्टली सारे रेजिडेंशियल हैं प्लस कमर्शियल. और ये एक्चुअली अब्लाय एवेन्यू वाला एरिया है पूरा गाइस. सब बिल्डिंग आप देखिए सब पुराने टाइम की है, सोवियत टाइम की. और अभी टीना ने बताया मुझे कि यहाँ पे जो मोस्टली एवेन्यूज़ है ना, यानी स्ट्रीट वगैरह, उन सब का नाम बातिर से है जिसका मतलब होता है वॉरियर. और उसके साथ जो दूसरा चीज़ यहाँ पर लगा हुआ है हर स्ट्रीट के साथ, वो है खान, क्योंकि राजाओं का राज हुआ करता था. और मोस्टली जितनी भी बिल्डिंगें हैं पुराने टाइम की, सोवियत टाइम की, वो सारी जापानीज लोगों ने या उस टाइम पे जो भी युद्ध वगैरह हुआ था उन्होंने यूज़ किया था. अब ये देखिए, अब फिर से एक मुझे एक फाउंटेन दिखा यहाँ पे, होटल अल्माटी. पूरे अल्माटी सिटी में 125 से ज़्यादा फाउंटेन हैं. और सबसे पहला जो बनाया गया था वो था 1948 में, 1947 के एक साल बाद. और उसका ये नज़ारा आप देखिए, सामने ओपेरा हाउस यानी इनका थिएटर. और शाम के टाइम पे इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि ये पूरा लाइटिंग हो जाती है यहाँ पे. चुके हैं अबाय एवेन्यू, सबसे पॉपुलर स्ट्रीट पूरे अल्माटी सिटी के लिए बोला जाता है. ये सेल्फी ले रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है. बाकी ये सब अलग अलग देखिए, कैफेज, बार, रेस्टोरेंट, काफ़ी ये पॉश एरिया है एक तरह से, सिविल लाइन्स एरिया आप बोलो इसको. तो ये अभी हम किसी दूसरे कैफ़े में आए हैं, ये अबाय स्ट्रीट के. तो इसका भी डिज़ाइन वगैरह आप देखिए, काफ़ी कोजी सा है माहौल तो काफ़ी. भाई लैंप वगैरह कैसे इन्होंने लगाया हुआ है. तो अब ये देखिए, ये घुसते ही मुझे तो ये एक्चुअली पतीला लग रहा होगा, पतीले के अंदर इन्होंने बल्ब लगाया हुआ है. अब ये सारे जार हैं, जार के अंदर इन्होंने बल्ब लगाया हुआ है. तो इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी यूनिक है यार. पुराने टाइम की आई थिंक कुछ फाइलें वगैरह हैं, फ़ोटोज़ हैं. अब ये कब की हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट पेंटिंग वगैरह इन्होंने काफ़ी लगाया हुआ है. 18 एंड बॉइलिंग. ओके. सो फ्रेंच पिलमेनी इज द नेम ऑफ दिस डिश. ओके. एंड दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिलमेनी. वाओ. जो वेजिटेरियन वाला ऑप्शन अपने को मिला, मैं खाने वाला हूँ, वो है या तो चीज़, वेराइटीज़ ऑफ चीज़ खाऊँ, या तो आलू मैश किया हुआ प्याज के साथ खाऊँ, या तो कुछ खा लूँ मैं चेरी. तो मैं ये आलू वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, थोड़ा सा पेट में जाएगा और खाने पीने के लिए भी आराम होगा. Pilmeni. Yes. So it's like inside the meat? Inside could be different... Different types of sauces? No. Inside could be meat, it could be chicken meat, it could be prawns, it could be vegetables, potato, different it's inside. Like samsa? They're going to make something like samsa? But not fried, boiled. Oh. मोमोज, मैं इसको अगर आपकी शुद्ध और सरल भाषा में समझाऊं तो ये मोमोज है, बट ये अलग अलग तरह का मोमोज ये जो बना रही है. और
इधर जो मामा है ये बना रही हैं सेम मोमोज बट ये थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर का मुझे ऐसा लग रहा है. फिश नो नो. दिस कुड बी विद सॉसेज. नो नो नो. बट दिस ओनली वेजिटेबल्स. 2000 टेंगे का बिल हुआ अपना. तो मैंने ये एक ड्रिंक ले लिया है. अब ये ड्रिंक कैसा है ये तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा. और ये वाला मैंने बुलबा बिगिंस जिसमें मैश्ड पोटैटो और फ्राइड अनियन है 1300 है और 1800 है. 1300 वाले में 10 पीसेस आएंगे, 1800 वाले में आएगा 15 पीस. अब ये एक्चुअली है क्या ये तो आने के बाद पता चलेगा. और ये मोहतरमा रे शुक्राना. व्हाट इज योर नेम? आईदा. एंड ब्रदर? अकरम. अकरम इज वेरी इजी. डू यू नो एनीथिंग अबाउट इंडिया? एनी कल्चर, म्यूजिक, सिनेमा, बॉलीवुड, डांस? डांस. यू नो which one? I don't know. Hindi you know thoda thoda? Russian. So you speak Russian? Da, and yes. Kazakh? Two languages. Yaar to inse main baat hi nahi kar pa raha hu. Matlab mostly jitne ab dekho ye to hum sabke sath hona hi hai. In logon ko aati inki local language aur humko nahi aati inki local language. Borscht. It's some meat, okay. Potatoes, carrot, cabbage, what else? I think that's all. And some sauces, spices. Not so spicy, no, not spicy. Just average. Yes. Just like a soup. Yes, just a very popular Russian, Ukrainian, Soviet soup. इनके हर एक खाने में तो पहली बात तो मीट होता है. और मीट में भी आई थिंक कजाकिस्तान में हॉर्स मीट तो सबसे ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं. ऐसे स्पाइसी खाते हैं. National dish. Yeah. The most popular is beshbarmak. Beshbarmak. Yeah. Beshbarmak means five fingers, because usually it was eaten with hands. Oh. Yes. Okay. So five fingers, you eat, you take food and put to your mouth. Oh. Salad named herring in fur. And type of vegetables. It's potato, carrot. What else? Also mayo. Covered with mayo, cheese, yes. Different types of cuisines here, and if you go somewhere in city center, you can find anything you want. Tina, अपने meal को enjoy कर रहे हैं, हम अपने meal का इंतजार कर रहे हैं. तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो रहा है और टीना के साथ भी एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अमेजिंग रहा गाइस. कुछ ऐसा है हिसाब किताब. मोमोज है. मोमोज के अंदर आई थिंक वही इन्होंने आलू भरा हुआ है और ऊपर प्याज से टॉपिंग की हुई है. अगर आपको तीखा खाना है तो आप सॉस वगैरह भी ले सकते हो, चटनी ले सकते हो. अलमाटी की इवनिंग और नाइट लाइफ कुछ ऐसे स्टार्ट होने वाली है गाइस. मैंने आपको बोला फाउंटेन हर जगह आपको दिखेगा तो वो यहाँ दिख रहा है. कपल्स हो गए, सोलो ट्रैवलर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, लोकल्स हो गए, सारे लोग यहाँ पर आते हैं इन सब स्ट्रीट्स पे वॉक करने के लिए एक्चुअली. और ये आप देखिए सारा इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है. तो बटरफ्लाई और ऊपर फूल पत्ते इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है. और सामने आपको एक भाई साहब अजगर लिए दिख रहे होंगे जो कि परफॉर्म करते हैं. आपको अजगर के साथ फ़ोटो खिंचाना है ब्रो. इट इज़ रियल. डोंट लाइक बट यू डोंट डिस्केयर. और अंकल देखो बढ़िया से म्यूजिक बजा रहे हैं. तो ये घंटियां हैं यार. एक्चुअली आपको बजाना है, किसी को पीटना है तो आप पीटते जाओ. जैसे टीना जी देखिए अभी. ओह माय गॉड. हाँ तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है यार. और ये इन्होंने लाइटिंग ऐसे लगाया हुआ है. 365 365 डे ये लोग आके यहाँ पे इस तरह से स्ट्रीट परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं. तो आई थिंक मंडे हो या संडे हर दिन आप यहाँ पे आ सकते हो और वॉक कर सकते हो. इस तरह से पेडेस्ट्रियन जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हो. आयरिश पब. तो यहाँ पे एक्चुअली ड्रिंक का भी कल्चर काफ़ी ज़्यादा है. मैंने आपको बताया आई थिंक कि वोडका वैसे सबसे ज़्यादा ये लोग ड्रिंक करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है इस कजाकिस्तान कंट्री में. और 7th नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में अगर कंज्यूमर के हिसाब से देखोगे. विस्की, बियर, wines. Okay. Girls prefer champagne or some sparkling wines. Cocktails for yeah, sure. Yeah. So depends what depends people on. Like. Yeah. Bro है, कैफे है, बार है, क्लब है, पब है, हर एक वो चीज़.
जो आप इंजॉय करना चाहोगे वो आप इंजॉय कर सकते हो। वो भाई साहब देखो मना कर रहे थे कि आप हमें मत रिकॉर्ड करो, बट मैं तो करूँगा यार। अब ये कुछ सोवेनियर्स की दुकानें हैं, अगर आपको कुछ सोवेनियर्स ख़रीदने हैं तो मोस्टली आई थिंक ये सब नेकलेस वगैरह है, लेडीज़ वाले आइटम काफ़ी ज़्यादा यहाँ बिक रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादातर। अब ये आई थिंक यहाँ का होममेड आइटम है, ये सारा हैंडमेड और होममेड में बोलूँगा। Like a drum. Drum. You. Oh. Oh. Oh, boy. Different, different. ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये म्यूजिक साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग मेटल है जिसको इन्होंने यूज किया हुआ और अलग अलग आवाज निकाली होगी। रात होगी यहाँ पे, आप देखना भीड़ काफी बढ़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादातर सब कुछ लेडीज वाला आइटम ही ये मिल रहा है यार यहाँ पे। ये सारी चीजें अगर परचेज करनी है तो आप आइए। अरे भाई ये चरखा वरखा कहाँ से आ गया? वाकई मजा आ गया भाई इस अलमाटी शहर के इन गलियों को घूमते हुए। अब आप देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। आइसक्रीम, कॉफी, चाय, इन सब के लिए। पीछे थोड़ा सा बटरफ्लाई वगैरह का माहौल था, यहाँ पे थोड़ा सा बर्ड्स वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है। बाकी लाइटिंग अभी भी चालू नहीं हुई है, तो यहाँ पे इन सब स्ट्रीट्स में भाई फोटोग्राफी काफ़ी होती है, तो हम भी इन सबको ऐसे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई साहब तो अंकल काफ़ी क्रेजी थे, काफ़ी फनी थे और गाना एकदम मिजाज में आके गाना गा रहे हैं। और इस तरह से ये देखिए अलग अलग स्टोर्स, मैंने आपको बोला कि ये स्टेशनरी की दुकान, खाने पीने की दुकान है, अब ये पिज़्ज़ा वगैरह का आउटलेट है। अब ये वापस से एक दूसरा स्क्वायर और शेप इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे ये सारी लाइटिंग अभी जलेगी। ये सब देखिए ट्यूबलाइट एक्चुअली लगा हुआ है। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, तो विजिट अलमाटी कजाकिस्तान यानी KJ। तो इस तरह से हर जगह इन्होंने बूथ इंस्टॉल करके रखा हुआ है जहाँ पे इनकी कजाकिस्तान की लोकल टूरिस्ट गाइड और टूरिस्ट पुलिस भी होती है, जहाँ पे आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे जाके आप उनसे सजेशन अगर ले सकते हो। खासकर जो भी टूरिस्टिक प्लेस हैं, टूरिस्टिक स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे इस तरह के बूथ और स्क्वायर और इस तरह के अट्रैक्शंस पॉइंट, आपको इस तरह का बूथ मिल जाएगा जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अलग अलग झूलों को खेलते हुए झूल रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी डर लगता है। पूरा पिकनिक स्पॉट है ये मैं बोलूँगा। आपको क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंसेस अभी तक नज़र आया इस पूरे अलमाटी सिटी को विजिट करने के बाद? हमारे यहाँ की जो इवनिंग लाइफ है गाइस और अलमाटी शहर की जो इवनिंग लाइफ है, उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आया, आप वो कमेंट में आप जरूर मुझे बताओ। अब एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, इस तरह का ये बूथ होता है जहाँ पर आपको, ये देखिए, प्लीज़ वेट, अगर आपके लिए कोई बस कोई गाड़ी वाला वेट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आके आप प्लीज़ वेट का बटन दबाइए और तुरंत सिग्नल आपके लिए चालू हो जाएगा कम टाइम में और फिर आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये एक तरह से इमरजेंसी शॉर्टकट है जिससे आप हेल्प ले सकते हो। अब हम आप पहुँचे हैं ज़िबेक ज़ोली स्ट्रीट पे, जो कि ये लोकल लैंग्वेज में आपको लिखा दिख रहा होगा, वॉकिंग स्ट्रीट। तो ज़िबेक ज़ोली का मतलब होता है सिल्क रूट यानी सिल्क रोड, जो उस टाइम पे जब ट्रेडिंग हुआ करता था तब इस रोड को यूज़ करके आई थिंक लोग आगे जाया करते थे। और अरबात, जो कि मॉस्को में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो अरबात स्ट्रीट यहाँ पे सिमकेंट में, कजाकिस्तान में, बाकी अलग अलग जगह पे हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ज़िबेक ज़ोली जो है स्ट्रीट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे भी सेम, जैसे जो पीछे का स्ट्रीट था सिमिलर, वही एक्सपीरियंस यहाँ पे भी है, बट यहाँ का स्ट्रीट थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लाइवली है, मोर क्राउडी, मोर हैपनिंग एज कम्पेयर टू द अबाय स्ट्रीट, राइट? वाई? या दैट वन, वाई, व्हाट इज द रीज़न? आई हर्ड अबाउट दिस स्ट्रीट, लाइक इट्स मोर लाइवली एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी राइट नाउ। इट वाज वॉकिंग स्ट्रीट लॉन्गर देन पंचिलो स्ट्रीट। ओके, व्हाई? मोर शॉप्स हियर, ओके, सून
Yeah, yeah. It's a supermarket. Yes. Yeah, yeah. Complex. Traditionally, it's more popular place. Okay. So actually, if you'll see, so it was the more popular in old age when it was the Silk Road. But now it has been renovated. Now it's a modern Silk Road for Almaty people. Yes. So ये है कुछ हिसाब किताब यार. यानी पहले के टाइम पे सोचिए ये सिल्क रोड हुआ करता था जब ये ट्रेडिंग हुआ करती थी. बट आज के टाइम पे मॉडर्न कैसा अलमाटी दिखता है वो ये है जो आपके सामने है, जहाँ पे सब कुछ लोकल लाइफ वो इस तरीके से. आई थिंक कोई म्यूजिशियन भाई साहब हैं जो कुछ परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं. ये देखिए अलग अलग लोगों को अलग अलग इनाम मिल रहा है. अब ये प्ले जोन वगैरह कुछ इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है बच्चा, जहाँ पे अलग अलग इस तरह से इसको खेल सकता है. तो ये सब खेलने वाली चीज़ें हैं. बट ये स्ट्रीट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी यार, कितना खूबसूरत है. बीच बीच में इन्होंने देखिए पेड़ वगैरह लगाया हुआ है. बाकी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सारे कॉमर्शियल प्लेसेस हैं. बेलिन जो कि इनका एक टेलीकॉम ऑपरेटर है उसका ऑफिस, और इधर कुछ ऊपर के तो सारे ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ही है, बट नीचे सारे स्टोर खासकर क्लोथिंग ब्रांड वगैरह हो गया वो सब दिख रहा है. और क्योंकि आज सैटरडे का दिन है ना, तो इस वजह से आई थिंक सब लोग बाहर निकल के आए हुए हैं यार. वाओ, फॉर मी दैट्स व्हाट आई लव. या सो ये मैग्नम जो कि इनका सुपर मार्केट है, मॉल Central Universal Shop. Soon. Soon. Central Universal Shop. Yes. It's like complex. Yes, you can find anything you need in one place. So it's seated here, grocery, big one. Wow, यार. भाई मजा आ गया. आप देखो हर कोई कुछ न कुछ गाना गा रहा है, बजा रहा है, डांस कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कोई फाउंटेन का मजा ले रहा है, बच्चे इधर पानी में खेल रहे हैं. ये देखिए अलग अलग एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे. छोटा सा बच्चा भी प्ले कर रहा है यार. क्या रौनक है इस प्लेस की. आई थिंक अभी तक का मेरा अलमाटी शहर को जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया है ना गाइस, ये है आई थिंक असली कजाकिस्तान और रियल अलमाटी अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है. यहाँ पे अभी जो मैं नोटिस कर रहा हूँ यूथ का क्राउड काफ़ी ज़्यादा है. अब आप देखिए ये कोई आई थिंक फिर से जादू हैं, जादूगर या डांस वांस कर रहे हैं. देखते हैं क्या हो रहा है. जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया था मार्केस फेस उन सब सिटीज़ में, जो आर्ट परफॉर्मेंस स्ट्रीट परफॉर्मेंस वहाँ की जो स्ट्रीट लाइफ है वो सिमिलर आज कजाकिस्तान के अलमाटी शहर से, इस जिबेक जॉली वाले स्ट्रीट से जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जिसको सिल्क रोड बोलते हैं या अरबात स्ट्रीट. अल्टीमेट एक्सपीरियंस है यार, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन अलमाटी ऐसा बोल सकता हूँ. वेरी नाइस, आई लाइक दैट प्लेस. ये सारा क्रेडिट मैं टीना को देना चाहूँगा. आई थिंक इनकी वजह से, इनकी बदौलत से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू माय व्यूअर्स, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू. एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दोस गर्ल्स, यू नो. इफ यू नोटिस ऑल ऑफ देम दे हैव द नंबर्स और फोन नंबर्स. दिस आवर बैंकिंग सिस्टम, वी हैव अ कैस्पी मैक एंड यू कैन make a transfer for anybody who has
the account in this bank by phone. If you know the phone, you can transfer money. Yes. If you pay by QR code, yes, they pay taxes. But if just a transfer, no taxes. Oh, it's like a saving tax money also. It's a big but problem. But for local people, it's good. But for government, yes. But for government, no. Yes. And about nightlife here, like a pub, club, bar, disc. Usually very people, noisy. Huh? Very noisy. Very noisy. Yes. Like wild or just? We can go later. No, I'm just asking. Place. Yeah, yeah. Yes. Yeah, yeah. Okay. We have a lot of bars, clubs, nightclubs. But before, nightlife was more. Lively. Yes, and we had a lot of nightclubs. Oh. But now it's more popular to go to bars. We have music. Music, okay. Officially, they are not the nightclubs, but they are. They are. But because of the drinks, of course, people will start dancing once they are in mood. We have some hot spots, I can say. Okay. With a lot of bars and clubs. Okay. With different music, it could be live music, it could be DJs, a lot of performances and shows and popular singers comes. Okay. Like live band. Yes. Live band, live like music. And Russian and different. And some of the venues invite popular singers. Artists and exactly to just host. They are hosting, like they are hosting the events, and then anybody, those artists can come and perform. That like engaging the customer and audience as well. Different places for younger people, for older people, with different music. So guys, अब हम आ गए हैं इस सबसे popular Zibek Zoli जो street है, उसके metro line पे. और ये रहा इस कजाकिस्तान के अलमाटी शहर का मेट्रो स्टेशन, जो कुछ ऐसा दिख रहा है. और अंदर चल के देखते हैं, टिकट वगैरह ख़रीदना पड़ेगा. तो मेट्रो मुझे एक्सपीरियंस करना था कजाकिस्तान का. अब देखते हैं यहाँ पे टिकट वगैरह कहाँ मिलेगा यार अपने को. ओह माय गॉड. सो गाइस, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये बोला जाता है कि सबसे लंबा एस्केलेटर इस पूरे अलमाटी सिटी का है ये. और मेन मेट्रो लाइन जिसको मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ. काफ़ी डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ढनक के गिर ना जाऊँ. अब आप देखिए किस तरह से एस्केलेटर वगैरह है यहाँ पे, और इतना ऊपर है. आप देखिए, फर्स्ट टाइम यू कमिंग इन दिस स्टेशन? नो, यू हैव बीन हियर? आई हैव बीन हियर, बट आई यूज माय वेरी वेरी रेयर रेयर, यस, बिकॉज़ आई एम ड्राइविंग यूजुअली एंड इट मे बी माय fifth or sixth time total. Oh my god. In this matter, yes. पेमेंट जो उन्होंने लिया वो 80 टेंगे लिया, तो आप सोचिए आई थिंक 10 रुपए से भी कम. तो ये रहा मेरा मेट्रो का एक्सपीरियंस इस अलमाटी शहर से. सिर्फ एक स्टेशन के लिए मैंने मेट्रो लिया था. सो यार, मेट्रो के एक्सपीरियंस को करने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस अलमाटी सिटी का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट दिखाने, जिसको बार स्ट्रीट बोलते हैं. तो बार स्ट्रीट बोलने से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि फुल ऑफ बार, ड्रिंक्स, पब, क्लब, ये सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पर नाइट लाइफ एक्चुअली अलमाटी की आके आप देख सकते हो. ये है स्टार्टिंग पॉइंट उस बार स्ट्रीट का. दिस इज ऑल्सो लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द कैफेज, बट हियर ऑल्सो आई कैन सी लाइक ड्रिंक्स एंड ऑल. तो शाम के वक्त, फिलहाल रात के वक्त आपको अलमाटी शहर कैसा दिखता है गाइज, आप खुद देखिए. ये सामने बिल्डिंग है. बाकी चौराहे यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, हर जगह ट्रैफिक लाइट लगा हुआ. और ये मैं पूरे स्ट्रीट की बात कर रहा था, ये सब जितना आप देख रहे हो ये सब स्ट्रीट बार के, जो बार स्ट्रीट बोलते हैं सलमाटी का, उसके आसपास का एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. ड्रिंक्स, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक, इन इस स्ट्रीट पर सबसे ज़्यादा बिकती है. तो कुछ इसमें से स्ट्रीट्स पे जो रेस्टोरेंट्स हैं पुराने, वो तो बंद हो चुके हैं क्योंकि रिनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है. बट अभी भी आपको कुछ ऐसे
रेस्टोरेंट और ख़ासकर बार मिल जाएंगे जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हो। जैसे ये वाले हैं, किस तरह से सजाया इन्होंने, ये सारा स्ट्रीट ही अलग 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 ड्रिंक्स के लिए पॉपुलर है। बट अभी उतना भीड़ है नहीं, आई थिंक अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आई एम सीइंग द स्टिल आई कैन सी लाइक द क्राउड्स स्टिल नॉट लाइक दैट एम्प्टी वी अर्ली या पीपल लव टू कम ऑन फ्राइडे यू सेड फ्राइडे एंड देन दे कैन हैव इवन सैटरडे ऑल्सो बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फुल अराउंड 10, 11, 12। तो ये था पूरा अपना आज का दिन गाइस, ये सलमाटी सिटी का, जहाँ पे हमने इवनिंग और नाइट लाइफ और काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की। आपको ये आज का दिन कैसा लगा, अलमाटी शहर कैसा लगा, ये पूरा वीडियो कैसा लगा, आप नीचे फीडबैक जरूर शेयर कर दिएगा नीचे कमेंट करके। और लाइव स्टेटस के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूँ ही ट्रैवल करते रहिए पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, खासकर इस वक्त कजाकिस्तान कंट्री। सो लेट्स रोम इंडिया इन सेंट्रल एशिया फ्रॉम कजाकिस्तान विद हंस मिश्रा। See you somewhere on the next Kazakhstan road. Bye bye. Take care.